ये जो बायो एंजाइम्स हैं ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है जो कि एक बायो फर्टिलाइज़र के काम में आता है, रूम फ्रेशनर के काम में आता है, क्लीनिंग मटेरियल के काम में आता है। इससे इसके प्रयोग से दीमक में भी बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है और इसको तैयार करना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गुलाब का बायो एंजाइम बना रखा है जो कि हमारे रूम फ्रेशनर का भी काम करता है और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है ये। और ये 10 पर्णी है जो कि 10 पत्तों का अर्क बना के हम लोग इसे पेस्टिसाइड्स के लिए इसी को यूज़ करते हैं। और ये नीम भी सेम उसी के लिए, पेस्टिसाइड के लिए सिर्फ नीम का है और काफ़ी अच्छा इसका हमारे को रिजल्ट्स मिलता है। 90% तक हम इसमें पेस्ट पे कंट्रोल कर पाते हैं गर्मियों के टाइम भी। इसको बनाना के लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। एक हिस्सा गुड़ का, 3 हिस्से जो जिस भी चीज़ का आपको बनाना है, वो छिलके भी हो सकते हैं सब्जियों के, वो गुलाब भी हो सकता है, गेंदा भी हो सकता है, कोई भी चीज़ का आप बना सकते हैं। ये आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने कॉफ़ी का भी बना रखा है जिसके अंदर एकदम जब अगर रूम में छिड़का जाए तो कॉफ़ी की सुगंध भी आती है और ये सैनिटाइज भी कर देता है। इसको बनाने के लिए 1 भाग गुड़ का लेना है, 3 भाग जिस भी चीज़ का बना रहे हैं वो, और 10 भाग पानी का। उसको एक बॉटल के अंदर डाल के, और अगर इसको इसको बनाने के लिए लगभग 3 महीने लग जाते हैं, 90 दिन का प्रोसेस है ये। और अगर आपके पास पहले से बना हुआ है और उस जब आप बनाने जा रहे हैं उसमें 1 चम्मच भी इसका पुराना कल्चर डाल दें तो ये प्रोसेस घट के सिर्फ 1 महीने के अंदर आपका कंप्लीट हो सकता है। और जब आप ये बनाना चालू करते हैं इसमें इतनी गैस बन जाती है कि अगर आपने इसे हर दूसरे दिन नहीं खोला तो ये बॉटल फट जाएगी। ये प्रोसेस आपका 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है गैस जो जितनी बन रही है। जैसा कि अभी मैं आपको इसका खोल के दिखाता हूँ, ये तो अभी काफ़ी टाइम का हो गया है इस वजह से इसमें ज़्यादा नहीं है, नहीं तो इसमें आप देखेंगे कि पूरा एक जैसे सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसके अंदर झाग पूरे निकल के ऊपर आ जाते हैं वैसे ही इसमें हो जाता है। और ये प्रोसेस आपको हर दूसरे दिन करना है ढक्कन खोलने का, लेकिन इसको रखना अपने एयर टाइट ही है। ये किलू का है, यह कंप्लीट हो गया था तो हमने इसे बड़े के अंदर कन्वर्ट कर ये ड्रम से निकाल के इसके अंदर स्टोर कर लिया है। इसकी शेल्फ लाइफ जब तक आप इसे अच्छे से कवर्ड रखें तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये खेत के अंदर इसको यूज़ करना है 1% के अंदर, बल्कि 1% भी नहीं, 1 ml प्रति 1 लीटर के अंदर आपने 1 ml डालना है। ऐसे 1 लीटर में 1 ml डाल के पौधों में स्प्रे करना है। फॉलिएज स्प्रे में काम आता है जो कि एक पेस्टिसाइड का भी काम करता है और एक ग्रोथ प्रमोटर होता है। और अगर पानी के साथ ऐसे मिला के जड़ों में दिया जाए तो 1 लीटर के अंदर 3 ml तक इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको ज़्यादा भी प्रयोग करना लाभकारी नहीं है, उससे आपके अपने पौधे जला भी सकते हैं, लेकिन जब तक इसे कंट्रोल वे में यूज़ किया जाए ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ प्रमोटर और पेस्टिसाइड है ये। जब हम 10 पर्णी जैसी चीज़ बनाते हैं और खुले के अंदर रख के रखते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसके अंदर मच्छर और कीड़े पड़ जाते हैं कई बार खुद में ही, लेकिन जब इसका बायो एंजाइम के तरीके से यूज़ किया जाए तो इसका असर भी बढ़ जाता है और इसमें कभी ऐसा नहीं होता कि इसमें कोई कीड़े पड़ जाएँ या इसकी वजह से मच्छर या बदबू आपको महसूस हो।